So, इनकी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं इनकी बाहर की शक्ल के जो हम रिबिन वर्म्स कहते हैं सेकंड इनका नेम नेमर्टी इस वजह से रखा गया कि नेमर्टी एक नेरिड्स है नेरिड्स का मतलब यह है कि ग्रीक मेथोलॉजी में समंदर की जो है ना सी नेम्स होते हैं सी ने ऐसी क्रिएचर्स को आप कह सकते हैं जो आज आधे ह्यूमन हो और आधे परिंदे जैसे होते हैं तो ऐसी क्रिएचर जो आधे ह्यूमन और आधे परिंदे जैसी होती हैं और ये अक्सर औरतें होती है फीमेल होती हैं जैसे आपने जलपरी का कॉन्सेप्ट देखा होगा आधी मछली आधे ह्यूमन ये सारे जो है ना ख्याली किरदार हैं तो नेरेट्स क्या होते हैं हाफ बर्ड हाफ ह्यूमन लेकिन फीमेल होते हैं इनका क्या ग्रीक मैथोलॉजी में कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी समंदर में काम आ, लोग जहाज लेकर जाते थे तो ये जो है फीमेल जो है ना उनको ल्योर करके उससे लाच लालच देकर उनके जहाज को तबाह करने में हेल्प कर दे और उनकी ट्रिक जो है ना कभी नाकाम नहीं होती उसमें कोई उनकी इरर में उनको कोई इरर या उनसे मिसेक मिस्टेक्स नहीं होती थी तो ये नेमटी का मकसद है अन विदाउट सिंगल मिस्टेक तो इनकी मीनस ये फ, आ, ये एनिमल ऐसे होते हैं इनकी प्रोबोसिस अपने शिकार को इस तरीके से ए, पकड़ती है कि उसे कोई मिस्टेक्स नहीं उनका निशाना कभी चूकता नहीं है तो इस वजह से इनको इनमें इन में इनिंग प्रोबोसिस होती है तो इसका नाम क्या रखा गया नेमटी रखा तो ये ग्रीक मैथोलॉजी से जैसे आपने हाइड्रा का नाम देख सुना होगा हाइड्रा इज़ अ एनिमल बिलोंग टू फाइलम सीलन तो वो हाइड्रा जो है ना इज अ ग्रीक मैथोलॉजी में वो खुदा जो जिसके बहुत ज़्यादा जो है ना बाज़ू हो मिस हों बहुत ज़्यादा जो है ना उनके हेड्स हों तो उसे में हाइड्रा कहते हैं तो ये इनका नेम ग्रीक मैथोडोलॉजी से लिया गया है नेरिड से लिया गया है मींस वो वो औरत जो हाफ ह्यूमन हो हाफ परिंदे हो और उनका काम जो है न समुद्र में जो Uh, uh, कश्तियां चलाते उनको किसी चट्टान से टकरा कर उनको तबाह करना उनको करना ओके नाउ द प्रोबोसिस इज लॉन्ग एंड मस्कुलर और उनका काम यह है कि शिकार को पकड़ना दे आल्सो कॉल रिंकोसिल रिनकोसील रिनको इज ए ग्रीक वर्ड मींस बीक और इनकी प्रोबोसिस जो होती है जैसे परिंदों की बीक होती है तो इस तरीके से भी होती है तो उसको वजह से इनका नाम क्या हो गया को सील और सीला का मकसद ये एक कैिटी इनके बॉडी में होती है तो उनके नाम से होगा तो इस दे आर थ्रेड शेप रिबिन शेप और आज तक जो है ना वन थाउजेंड स्पेशीज ज्यादातर मैरीन में और कुछ फ्रेश वाटर और मोस्टेरिस्टल में पाए जाते हैं मोस्ट ऑफ दीज निमीज आर लेस देन ट्वेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग ज़्यादातर बीस सेंटीमीटर इनकी साइज कम होती है लेकिन एक है लीनियस लॉन्गी मस इनकी साइज सिक्सटी मीटर से बड़ी होती है तो ये और इनको आप देखेंगे कि बड़ी जो है ना एक आ, जैसे हम कोई धागा रख लें बड़ा धागा रख लें इन जैसा शेप नजर आती है और मोस्टली इनकी बॉडी का कलर येलो ऑरेंज ग्रीन और रेड होता है लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम नीमटी द फर्स्ट मोस्ट कैरेक्टर इज दर्सिबल प्रोबोसिस लुक एट दिस दिस इज द प्रोबोसिस ये प्रोबोसिस है और ये प्रोबोसिस ये दूसरी शक्ल में आप इससे जो है ना ये आ रही है प्रोबोसिस और ये जा रही है बिल्कुल ये प्रोबोसिस ये आप इस एरो को यहाँ तक जा रही है और यहाँ से जब शिकार देखते हैं तो यहाँ से ये निकल कर बाहर ये दूसरी तस्वीर में जो देख रहे हैं शिकार को लग रही है तो ये बाहर भी निकलती है और अंदर दोबारा आ जाती है तो इस वजह से हम इरीवर्सीबल जो है ना प्रोबोसिस कहते हैं और ये जिस कैविटी में ये कैविटी में पाए जाते हैं इनको हम क्या कहते हैं कैविटी में Rincosil कहते हैं दे आर ट्रिपलो ब्लास्टिक हैविंग थ्री लेयर एक्टोडम एंडोडम मीजोडम बाइलेट्रल बॉडी कैन बी डिवाइडेड इन इंट टू साइड्स और देर इज नो सेगमेंट इन देम और तीसरा जो अहम कैरेक्टर है इनमें कंप्लीट माउथ टू एनस माउथ यहाँ ये आप देख सकते हैं डिस माउथ और ये देख सकते हैं इज एनस माउथ टू एनस और ये जो है इट्स इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन पाए जाते हैं प्रोटोन एक्सक्रीशन इनकी प्रोटोनिया और प्रोटोनिया इस कंपोस्ट ऑफ ब्रांच फ्लेम सेल्स इन पे मुश्तमिल होते हैं सेकंड नर्व सिस्टम लेकिन नर्व सिस्टम फुल लोब ब्रेन पे और पेयर्ड लांगटर नर्व ट्रंक ये इन पे मुश्तमिल होता है एंड इट हैज़ द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड बॉडी जो है न मस्कुलरचर बॉडी जो है ना तीन मसल्स पे लेयर्स uh, पे डिपेंड किस में दो होते हैं किस में तीन होते हैं एक हम आउटर सर्कुलर इनर लांगटिन मसल और सर्कुलर इनसाइड द लांगटल मसल्स ये तीन जो है ना मस्कुलर लेचरस होते हैं जो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं एक ये लॉन्गिट मसल्स हैं दूसरी ये सर्कुलर मसल्स ओके तो ये जो है ना मसल्स जो है ना बॉडी में पाए जाते हैं नाउ लेट्स डिस्कस फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ द फाइलम इस तस्वीर को आप देख सकते हैं लुकते हाउ दिस बिग इज़ द वम ये सारा आप यहाँ देख सकते हैं ये कितना बड़ा वम है ये सारे बॉडी जो है ये वम पे मबनी है ये सारे ये तो ये बहुत लंबे होते हैं और इनको स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो इनकी एक और जीनस है जिसे हम एम्फी कहते हैं ये इनका इनकी साइज़ दो से दस सेंटीमीटर होते हैं जो नीचे ये तस्वीर दी गई है बी तस्वीर जो नीचे दी गई ये एम फी फोरस है तो इनके हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं और इनकी बॉडी जैसे प्रीवियसली मैंने बताया कि बॉडी पहले इनकी सिलेटेड एपिडर्मिस होती है और देन मस्कुलेचर होता है एंड लोकोमोशन नॉर्मली ये ग्लाइडिंग करते हैं किसी भी ट्रैक कोई सब्सटेंस होता है उनके उनके ऊपर ग्लाइड करते हैं एंड देन कभी कभी खतरा हो जाता है तो ये आसानी से स्विम भी कर सकते हैं जो है ना ये स्विमिंग हैबिट बिन में पाई जाती है नाउ मैंने पिछली स्लाइड में ये बताया कि दे है फ्रेजाइल बॉडी और अभी ये हम पढ़ रहे हैं कि दे आर एक्टिव प्रीडेटर तो ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है प्रीडेटर का मकसद शिकारी शिकारी वही होगा जो स्विफ्ट होगा जो तकड़ा होगा जो जल्द में फटाफट किसी को शिकार करता है तो वो शिकारी होगा। लेकिन ये बिल्कुल इनकी बॉडी बड़ी लंबी भी होती है सुस्त भी होते हैं लेकिन ये एक्टिव शिकारी भी हैं ज्यादातर लीड्स को खाते हैं सिमोल, इन्वर्टिब्रेट्स को खाते हैं कुछ कमेंसिल हैं कमेंसल का मतलब ये है कि किसी चीज़ की ब... कोई एक जानवर कुछ खाता है तो उनकी जो बची कुछ चीज़ें हैं वो उन पे डिपेंड करते हैं ये कमेंसिल हैं और गंदी चीज़ें भी खाते हैं हैंजीवोरस भी हैं सो so, फ्यू एनेमाटी जो है ना वो स्पेशलाइज एग प्रीडेटर्स हैं मीन्स एक्टोपेरासाइट हैं क्रेब केकड़े जो हैं उनके एग्स ये खाते हैं तो ये एक्टोपेरासाइट भी हैं एंड अदर फीचर इज द माउथ इज एंटीरियर एंड वेंट्रल बिल्कुल ये एंटीरियर हिस्से में है और ये नीचे जो है ना माउथ है तो इससे हम क्या कहते हैं वेंट्रल अगर यहाँ अगर ऊपर माउथ होता है इसको हम डार्सल कहते थे कहते नहीं ये नीचे है तो इसको हम क्या कहते हैं वेंट्रल और इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है ये माउथ आप देख सकते हैं माउथ लीड इनटू दिस स्टमक और ये स्टमक ये आ रहा है स्टमक के बाद जो है ना ये सीका इंटेस्टाइनल सीका शुरू होता है वो इंटेस्टाइनल में दोबारा ये इंटेस्टाइनल सीका जा रहा है और देन दिस इज अ कंप्लीट सीक इंटेस्टाइन ये इंटेस्टाइन और ये एनस दिस इज एनस, तो मीस इनका सिस्टम माउथ स्टमक, इंटेस्टाइनल सीकम इंटेस्टाइन और एनस पे मुश्तमिल है एन इनके जो स्टमक है या गट है इनमें कोई मसस नहीं होती यहाँ जो इनका इंटेस्टाइन में जैसे हमारे यहाँ ह्यूमन में पैरस्टलेसिस मूवमेंट होती है ना जिसके वजह से फूड अंदर जाता है यहाँ इनकी इंटेस्टाइन में सिलिया पाई जाती हैं और वो सिलिया जो है ना मसस को सिया, सिया जो है ना फूड को मूव करने में हेल्प करती हैं और इनमें डाइजेशन जो, जो है ना एक्स्ट्रा सेलुलर होता है ज़्यादातर ये स्पेशीज जो है ना अपना जो शिकार जो है ना ढूंढती हैं अगर कोई शिकार इनसे टकराए जाए या ये जब ये घूमती हैं इनके नीचे कोई शिकार आ जाए तो ये पकड़ लेते हैं और कुछ जो है ना अपने शिकार का पीछा करते हैं और पीछा करके जब कोई भी नज़र आता रहे इस तस्वीर में आप देखते हैं ये शिकार इनको नजर आया ये प्रोबोसिस इसने निकाला है और शिकार को बिल्कुल पकड़ के रखा है प्रोबोस से और ये प्रोबोसिस जो है ना बिल्कुल ये यहाँ ऊपर जो है प्रो यहाँ से निकलती है एंड प्रोबोसिस कैसे निकलती है यहाँ लोकेट दिस वन इस तस्वीर में ये ये आप देख रहे हैं मैं ये रेड लाइन को ये दोनों साइड में ये इसको हम रिन को, को सील इसमें फिलुड होता है और ये फिलुड जो है ना इनको प्रेशर डेवलप करता है और मस्कुलर प्रेशर की वजह से प्रोबोसिस बाहर रैपिडली आती है इस पोर प्रोबोसिस ओपनिंग के थ्रू और शिकार को बिल्कुल और ये आजादाती और दूसरा ये स्टाइलेट है आप देख सकते हैं ये प्रोबोस इतनी बड़ी है और यहाँ जो है ना ये कुंडा जिसको हम स्टाइलेट कहते हैं इसमें कुंडा लगाते हैं ये कुंडा जो है ना बिल्कुल बाहर आ जाता है और कुंडा जो है ना शिकार को लगता है और इस कुंडे में जो है ना टॉक्सिक जहर पाया जाता है टॉक्सिक सीक्रेशंस होते हैं जिसको हम ट्रेटोडोटोक्सन कहते हैं और ये अक्सर टॉक्सन जो है ना पफर फिश में तो पफर फिश हाईली पॉइजनस फिशज होती है तो ये टोटोटॉक्जन इसमें एक न्यूरोटॉक्सिन होता है जिसकी वजह से वो शिकार जो है न बेहोश हो जाता है जब वो बेहोश हो जाता है तो फिर शिकार उनके ए, ए, ये प्रोबोसिस के थ्रू उनके माउथ में आता है और माउथ के बाद ये सॉलो अप होल हो जाता है स्टमक में जाता है और स्टमक से जो है ना आगे इनका प्रोसेस शुरू सर्कुलेटरी सिस्टम इस तस्वीर में आप तस्वीर नंबर सिक्स में एक आपको रेड नजर आ रही है दूसरी ब्लूश नजर आ रही है जो रेड आपको नजर आ रही है the, एक ये बीच वाली है जिसको हम डारसल कहते हैं ये बिल्कुल बीच में आ रही है डारसल वेसिस और ये जो कुछ वेसिस हैं यहाँ ये लोकेट जैसे इनको हम लेट्रल वेसल्स कहते हैं टू लेटरल मीन एक डार्सल दो लेटरल वेसल्स मिल कर के ये क्या बनाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम और देर इज नो हर्ट इन देम इनमें हर्ट कोई नहीं होती और इनकी जो ब्लड वेसल्स की जो वाल है उनमें कंट्रेक्शन होती है वो उस वाल की कंट्रेक्शन की वजह से ब्लड प्रोपेल होता है और नॉर्मली इसमें सर्कुलेशन नहीं होती जस्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड ब्लड मूवमेंट होती है और सर्कुलेशन नहीं होती है। बाकी जो ये ब्लिश आप देख रहे हैं दीज आर द नेफ्रिडिया और नेफ्रिडिया का मेन काम क्या है एक्सक्रीशन है लेट्स डिस्कस द रिप्रोडक्शन ऑफ द नेमर्टी फाइलम नेमर्टी फाइलम नेमर्टी ये डाइशन मीन्स मेल और फीमेल सेपरेट हैं मेल और फीमेल आर्गन अक्सर जो पेरन सेल्स होते हैं वहाँ डेवलप होते हैं जो इनकी बॉडी कैविटी मैंने जो इनको सील बताया वहाँ डेवलप होते हैं दूसरी बात यह है कि इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स फीमेल अंडे देती है मेल स्पम वो बाहर माहौल में जो वो मिलते हैं और उसमें से हेलमेट जैसे हेलमेट शेप हेलमेट होता है ना बाइक में लोग पहनते हैं प्रोटेक्शन के लिए तो हेलमेट जैसा एक बच्चा पैदा होता है उसे हम प्लेडियम ला लार्वा कहते हैं और ये प्लेडियम लार्वा फ्री स्विमिंग करेगा और एक यंग वर्म में डेवलप होगा और किसी न किसी सब्सट्रेट से अटैच होगा और जब अटैच होगा तो अपना फीडिंग हैबिट ये जो है शुरू करेगा लेट्स डिस्कस द टेक्सोनामी ऑफ फाइलम निमर्टा द फाइलम नीमाटा इज डिवाइडेड इंटू टू क्लास वन इज नोने क्लास एनोपला एंड सेकेंड इज नोन एनो एक ई से है दूसरा ए से एनोपला इनोपला एनोपला फर्क क्या है मकसद आर्म्ड आप मेरे स्कर्स को फॉलो करें ये दिस इज द ये प्रोबोसिस में ये स्टाइलेट होती है ओके तो एनोप्ला में ये प्रोबोसिस कंटेन स्टाइलेट्स और दूसरी अहम बात यह है ये माउथ जो है ना वेंट्रल होता है ये इनका ब्रेन है ब्रेन के ये फ्रंट में है माउथ ब्रेन के फ्रंट में है और वेंट्रल साइड में होते हैं तो मनस जिसमें स्टाइलेट हो और ब्रेन के बिल्कुल फ्रंट में माउथ हो और माउथ की पोजिशन जो है ना एंटीरियर हो तो उनको उस सारे एनिमल्स को हम क्लास इनोप्ला में रखते हैं बाकी जिसमें ये स्टाइलेट नहीं है और माउथ जो है ना माउथ यहाँ पोस्टीरियर में होता है सैरी uh, इस ब्रेन uh, के और इसमें हमारे सैरीबरेट ब्रेटुलस है ट्यूबलेनस है और लाइनियस जो बड़ा है वो इसमें शामिल कहते हैं तो ये इनकी टेक्जोनी है मेरे ख़्याल में आपको अच्छे तरीके से ये फाइलम समझ में आया होगा इट्स वेरी मच सिंपल और इंटरेस्टिंग थैंक्स फॉर अटेंशन और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें साई लोग को सब्सक्राइब करें कि आपको सारे मेरे लेक्चर्स जो है ना आपको आसानी से जो है ना आपको मिल जाए थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग थैंक यू फॉर लिसनिंग